साल की तरह इस साल भी किदवई नगर संचय वैन से आई इस बाबा पालकी पदयात्रा का आयोजन किया गया। बता दें कि पदयात्रा में हजारों भक्तों ने साईं बाबा के जयकारे और भजन कीर्तन किए। इस दौरान सर्वधर्म योग संस्थान के योगाचार्य विनोद शुक्ला ने बताया कि हर साल की तरह इस साल भी साईं बाबा पदयात्रा का आयोजन किया गया। ये पदयात्रा का 10वां साल है। विनोद शुक्ला ने बताया कि ये पदयात्रा विश्व में शांति और मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए हर साल दिसंबर महीने में निकाली जाती है। साईं बाबा पालकी पदयात्रा 10वीं साईं बाबा पालकी पदयात्रा है। आप सभी साईं भक्तों का स्वागत करते हैं। हमारे साथ सभी हमारे साधकगण हमारे साथ हैं जो पालकी को आयोजित करते हैं। और ये पालकी पदयात्रा 10वीं साईं बाबा पालकी पदयात्रा है जो समस्त विश्व में शांति और मनोकामनाओं की पूर्ति हेतु प्रत्येक वर्ष दिसंबर माह में आयोजित करी जाती है। कहाँ से लेके कहाँ तक ये पदयात्रा जा रही है? ये पालकी पदयात्रा संजय वन किदवई नगर से आरम्भ होकर के साईं दरबार बिठूर तक जाती है। लगभग 30 किलोमीटर है जो हमें लगता है प्रदेश की सबसे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @jmdnews।